अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक्स हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेव नंबर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे मालूम करते हैं। अब हम उसको आगे उसी टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए पढ़ेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कैसे मालूम की जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम की जाएगी और उसका वेव नंबर कैसे मालूम किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम एनर्जी डिटरमाइन करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो जब हम ये एनर्जी मालूम करने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करना पड़ेंगी, तो इसलिए हम हाइड्रोजन एटम को एज्यूम करते हुए काम स्टार्ट करते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन एटम में जो है वो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और जो वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की वो हमने एज्यूम किया कि भाई वो उसकी वेलोसिटी क्या है, वी, जिससे वो रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम का, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिटरमाइन होगी, पोटेंशियल एनर्जी आप उसी तरह डिटरमाइन करेंगे जैसे आप एनर्जी मालूम करते हैं बिटवीन टू चार्जेस। तो एनर्जी मालूम जो करते थे बिटवीन द टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये किसका फार्मूला है, एनर्जी का फार्मूला है बिटवीन द टू चार्जेस। अब यहाँ हम टू चार्जेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर है, वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी तरह जब मुझे इन दोनों के दरमियान एनर्जी मालूम करनी है तो मैं एनर्जी का फार्मूला लगाऊंगा जो बिटवीन द चार्जेस एनर्जी मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है, मैं वो फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे मालूम होगी, उसी फार्मूले से मालूम होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। के जो है वो कॉन्स्टेंट है इसकी जगह, तभी इसकी जगह कौन सा कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस का कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास जो हो गया जेड। इसी तरह जो आपके पास क्यू वन है, क्यू वन चार्ज वन होगा, चार्ज वन न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज क्या, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के, तभी जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो ई हो गया और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी ई हो जाएगा, तो ई इंटू ई क्या हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, आर है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, उसके गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है उसका। अब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है आर। ये हो गया हमारे पास आर, और इस पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस चार्जेस, न्यूक्लियर चार्जेस होते हैं वो होते हैं जेड, सही है, जो कि बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। ये हमने अपने हाइड्रोजन जब हम रेडियस मालूम कर रहे थे उसकी डेरिवेशन में भी हमने देखा था। अब जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो बराबर होता है ई के, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये भी हम लास्ट डेरिवेशन में देख चुके हैं।
इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो भी बराबर होता है ई के, और वो भी उसकी वैल्यू भी यही होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये थी चार्ज की वैल्यू जो कि निकलस पर है, और ये चार्ज की वैल्यू है जो कि किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर है। दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। अब K की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, Z, क्योंकि K कांस्टेंट था, और यहाँ भी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो भी कांस्टेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू द एटम। और इसके साथ साथ हमारे पास Q1 किसका चार्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज, वो क्या हो जाएगा E, और Q2 किसका चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी क्या हो जाएगा E, और R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो हमारे पास E का फॉर्मूला क्या बन जाए, E इज इक्वल्स टू माइनस Z E डॉट E अपॉन R। तो क्या हो गया आपके पास, E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू माइनस Z E स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारा जो है वो एनर्जी का की इक्वेशन बन गई। अब ये जो हमारी एनर्जी की इक्वेशन बनी है माइनस Z E स्क्वायर अपॉन R, ये हमने देख लिया कैसे ड्राइव हुई पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। अब हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो जब तक वो रिवॉल्व करेगा, हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा था कि उस पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब तक वो रोटेट कर रहा है। सही है, तो ये पॉइंट अभी आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो ये हमारी जो डेरिवेशन है वो टोटल एनर्जी क्या बन गई, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ प्लस था लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या आया, माइनस जेड माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन r। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने अभी ड्राइव भी की है। अब इसके बाद ये आपकी टोटल एनर्जी की डेरिवेशन आ गई। अब इसमें आपके पास जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है आपने, कि वेलोसिटी को भी ड्राइव करके रखना है। तो वेलोसिटी को ड्राइव कैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखें आप। सबसे पहले हमें पता है कि हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा था, जब हम रेडियस पढ़ रहे थे तो हमने पता कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अपने न्यूक्लियस के अंदर जिनका सेंट्रिपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के, जिनमें सेंट्रिपिटल फोर्स बराबर होगी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के। तो हमने सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी देखा था, वो इस तरह था कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी कैसे था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एमवी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैसे ड्राइव हुआ था, ये भी हमने रेडियस की जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तब हमने इसको डिटेल में देखा था। तो अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो फिर एक दफ़ा गो थ्रू कर ले। वो हमारी जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो हमारी डेरिवेशन थी उसको उसमें उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला था, जब तक ये बराबर रहेंगी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। अब मुझे यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आर सिंपल जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो ऊपर आर से नीचे आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया नीचे आर। तो ये हमारे पास एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर जो है हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो अब इस एम वी स्क्वायर की जगह मैं इसको पुट
पुट कर सकता हूँ जेड स्क्वायर अपॉन आर को। तो मैंने यही किया, मैंने क्या किया एम वी की जगह, इस एम वी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो क्या थी जेड स्क्वायर अपॉन आर। जब आप इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ई इजिकल्स टू हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जेड स्क्वायर अपॉन आर दूसरा वाला, इसकी जगह आपने जो एम स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की थी जेड स्क्वायर अपॉन आर की। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास एनर्जी की जो है वो वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने जो रेडियस मालूम किया था, रेडियस की जो डेरिवेशन की थी हमने, उसकी वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। रेडियस का फॉर्मूला क्या था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में जो हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन किया था उसमें हमने ड्राइव की थी। तो ये हमने जो रेडियस की वैल्यू है वो हमने इसको इसमें पुट कर देते हैं। जब हमने इसको इसमें पुट कर दिया तो इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया और ये जो है ये पूरी इक्वेशन जो है वो इन्वर्ट होकर ऊपर आ जाएगी। ये डिवाइड में था नीचे, ऊपर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये नीचे डिवाइड में रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये कैसे हुआ आप याद रखें कि डिवाइड के नीचे कभी भी डिवाइड नहीं आता। तो ये जो है ये इसके नीचे ये डिवाइड है और इसके नीचे ये डिवाइड है, तो डिवाइड के नीचे कभी भी डिवाइड नहीं आता। तो ये रेसिप्रोकल कैसे होगा कि ये पूरा पोर्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा ये नीचे ही रहेगा ये ऊपर आ जाएगा। तो ये उसी तरह सॉल्व हुआ है। तो इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर हमारे पास बच गया। ये हमारे पास एनर्जी की जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया जो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, जो किसी भी ऑर्बिट में होगा तो आप उसको मालूम कर सकते हैं। बस यहाँ आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट करना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट से की तरफ, तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो जो एनर्जी है वो चेंज होगी। लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट एन वन पर है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी ई वन इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन वन स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो देखें सिर्फ इस एन की जगह एन वन आ गया क्योंकि बाकी सब जो है वो हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है। तो ये एनर्जी कब कहाँ आई एट लोअर ऑर्बिट यानी के एन वन पर। इसी तरह जब वो हायर ऑर्बिट पर जम करेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगा हायर ऑर्बिट कौन सा है एन टू, तो एनर्जी क्या आ जाएगी ई टू इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन टू स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एनर्जी आ गई एट हायर ऑर्बिट। जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जम करता है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ तो हमें पता है कि वो जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो वो अनस्टेबल यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आता है। अब वो तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक वो अपने ओरिजिनल लेवल पर ना आ जाए। और जैसे ही वो अपने जैसे फॉर एग्जांपल वो एन वन पर था एन वन से जंप करके अपने हाई एनर्जी लेवल एन टू पर चला गया तो वो जब तक वो वापसी एन वन पर नहीं आएगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो आप इस एग्जाम्पल को देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये एन वन था लोअर एनर्जी ऑर्बिट और ये हमारे पास इसका हायर एनर्जी लेवल था यानी कि हायर ऑर्बिट था। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जब इस पर है वो तो वो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो क्या था ई वन जो अभी हमने ड्राइव भी किया था। और जब तक वो उस एनर्जी लेवल पर है और इस ऑर्बिट पर है तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा हमारे पास ई टू जो हमने भी ड्राइव भी किया था। जब अभी हमने देखा कि जब आप इलेक्ट्रॉन जंप करके आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी वो अनस्टेबल हो गया जंप करके अपने हायर ऑर्बिट पर चला गया ई टू पर चला गया तो वापसी वो क्या है अभी तक अनस्टेबल है जब तक वो अपने हायर ऑर्बिट पर रहेगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करके नहीं आता यानी कि वापसी अपनी ग्राउंड स्टेट पर नहीं आता तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो वो एक एनर्जी
इमिट करेगा, वो किसके बराबर होगी एनर्जी? वो एनर्जी बराबर होगी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स ऑफ द टू ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसके बराबर वो एनर्जी इमिट करेगा। यानी कि वो एनर्जी कितनी इमिट करेगा? ई डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन, और ये वो कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट पर चला गया था, वो अनस्टेबल हो गया था। तो अनस्टेबल होने के लिए जब वो वापसी स्टेबल होगा, तो स्टेबल कैसे होगा? जब वो जम करके वापसी अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल पर आएगा तभी वो वापसी स्टेबल होगा, और जब वो वापसी अपने लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा उस वक्त वो जब वो लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा होगा तो वो एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा, वो किसके बराबर होगी? डेल्टा ई के बराबर। तो ये बात जो है वो पूरी यहाँ लिखी हुई है। अब वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कर रहा है, ये हमने बोहर थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आ रहा होता है तो वो जो एनर्जी रेडिएट करता है वो बराबर होता है किसके? डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिट। और वो किस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तभी ये दोनों किसके बराबर हो गए? एच म्यू के। तो ये जो ई टू एनर्जी है वो इन्होंने यहाँ पुट कर दी, ई वन एनर्जी इन्होंने यहाँ पुट कर दी, ये माइनस साइन एज इट इज रहा। अब जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ई टू माइनस ई वन इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन टू स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब आप देखें हुआ क्या है कि जब यहाँ हुआ क्या है कि जब आपने ब्रैकेट ओपन किया था तो ब्रैकेट ओपन करके माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस। तो इन्होंने इस वैल्यू को पहले लिख लिया और इस वैल्यू को बाद में लिखा है, तभी आप देखेंगे कि एन वन वाली जो वैल्यू वो पहले लिखी हुई है और एन टू वाली वैल्यू माइनस के साथ बाद में लिखी हुई है। तो देखें ये हमारे पास ये एन वन वाली वैल्यू थी और माइनस ये एन टू वाली वैल्यू है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा आप लोग। इसके बाद ई टू माइनस ई वन की वैल्यू किसके बराबर हो गई? यहाँ से आपने जितने कॉन्स्टेंट है सबको कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन गया? टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया? वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अब हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करता है, तभी एच म्यू के बराबर हो जाएगा। फोटोन की वैल्यू, फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? एच म्यू के। इसी वजह से डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई किसका बराबर हो गया? एच म्यू के। तो इसलिए इसकी जगह इन्होंने क्या लिख लिया? एच म्यू। तो एच म्यू इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अब ये एच इधर इससे मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एच क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो ये बात इन्होंने लिखी हुई है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड वेव और फोटॉन्स। तो जो भी वो वेव या फोटॉन एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, कब? जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता, जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा था तो उस वक्त वो जो एनर्जी और फोटॉन एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो इसके बराबर होगी। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? वेव नंबर का। तो सबसे पहले वेव नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले वेव नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। वेव नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन 1 मीटर। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की साइकिल्स कंप्लीट हो रही होंगी 1 मीटर के अंदर अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? उसका वेव नंबर। अब वेव नंबर किसे रिप्रेजेंट होता है? म्यू बार से। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है? म्यू अपॉन सी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो वेव नंबर किसके बराबर हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेव नंबर इंटू स्पीड ऑफ
लाइट। अब यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर चुके हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी की जगह हमने जो अभी ड्राइव किया था, ये फार्मूला वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तो हम अगर हम इसको पुट करें जो कि फ्रीक्वेंसी किस बराबर हो जाएगी, वेव नंबर इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट। तो देखें वेव स्पीड ऑफ लाइट इंटू वेव नंबर हमने यहाँ पुट कर दिया फ्रीक्वेंसी की जगह। अब ये सी जो है मल्टीप्लाई में था से यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा सिंपल, तो वेव नंबर किसका आता है 2π² एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन सी एच क्यूब इंटू 1/n1² माइनस 1/n2². अब आप ये देखें जितने भी ब्रैकेट से बाहर हैं ये सारे कांस्टेंट हैं, 2π² इन सब की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, जेड जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस जो किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, और इसके अलावा ई जो है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये भी कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है और एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये सारे जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसको एक नया नाम दे दिया उन्होंने, किसका नाम दे दिया रेडबर्ग कांस्टेंट का। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह वेव नंबर का जो फॉर्मूला बन जाएगा अब क्या बन जाएगा, आर एच इन सब का इन्होंने इन सब को इन्होंने कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया, जेड स्क्वायर हटाकर, क्योंकि जेड स्क्वायर अभी हम बात कर रहे थे किसकी हाइड्रोजन एटम की, लेकिन अगर हम किसी और एटम की बात करेंगे तो फिर वो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, इस वजह से आप जेड स्क्वायर को हटा दें। और इसके अलावा 2π² एम ई फोर अपॉन सी एच क्यूब ये सारे कॉन्स्टेंट हैं हर एटम के लिए। तो जब आप इसको इन तमाम कांस्टेंट को आपने सॉल्व किया तो क्या आंसर आ रहा है 109678, और इसका नाम क्या इन्होंने दिया इसको रिडबर्ग कांस्टेंट। तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला बन गया हमारे पास वो क्या बन गया, म्यू बार इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2². अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वेव नंबर की ये किसी भी एटम पर अप्लाई हो सकती है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो यहाँ जेड इक्वल्स टू 1 आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो ये हमारी आज की क्लास थी, तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की, वेव नंबर मालूम किया इलेक्ट्रॉन का, और उसके साथ साथ हमने एनर्जी मालूम की इलेक्ट्रॉन की। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट से मेंशन कर देगा।